गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस कैसे आप सब? तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अमेज़न ब्यूटी हॉल। तो मैंने काफी सारी चीजें मंगाई हैं इस बार अमेज़न से, और मुझे अमेज़न से शॉपिंग करनी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स चलते ही रहते हैं अमेज़न पे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा ब्यूटी हॉल, और मैं सोच रही हूँ कि बहुत जल्दी इसका एक फर्स्ट इंप्रेशन भी आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि काफी सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स मैंने परचेज किए हैं। तो अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रोडक्ट देखना है, उसका रिव्यू चाहिए, मिनी रिव्यू चाहिए, तो प्लीज डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। मैं जल्दी से एक रिव्यू भी करने वाली हूँ। और या तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अमेज़न ब्यूटी हॉल, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस, सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने मंगवाया है अमेज़न से, ये है कफ्स एंड लैशेस का न्यू लॉन्च प्रोडक्ट। मैंने काफी सारे न्यू लॉन्चेस भी मंगवाए हैं, न्यू एंड जो मैंने पहले कभी भी ट्राई नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये है कफ्स एंड लैशेस का लेट्स गो टिंटिंग लिप चीक आईज इन द शेड, ये है 01 बारबी, और इसका प्राइस है 325 रुपीज, और ये बिल्कुल अभी न्यू लॉन्च था, तो इस पे तो मुझे कोई डिस्काउंट शायद नहीं मिला था, लेकिन जो भी प्राइसेस मुझे होंगे ना, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दूंगी, ठीक है। तो ये इस तरह के पैकेजिंग में आपको मिलेगा, ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग है, व्हाइट कलर की ऊपर कैप दे रखा है, और बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है। मतलब मैं जैसा शेड चाह रही थी ना एक यू नो चीक्स के लिए अपना, बिल्कुल वैसा ही शेड मुझे इसमें मिला है। तो ये अगर आप खोलेंगे इसको तो आपको ये कैप मिलता है, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा सिक्योर रहता है। तो ये है कुछ शेड गाइज, बहुत ही सुंदर शेड है, आई रियली लव इट। और ये बहुत ज्यादा ना सॉफ्ट क्रीमी बटरी है, पिगमेंटेशन आप देख सकते हो काफी ज्यादा अच्छा इसका पिगमेंटेशन है, तो मुझे ये काफी ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन अभी इसका कितना स्टे है, कितनी देर तक ये रहता है स्किन के ऊपर, और कैसा ब्लेंड होता है, अभी ये सब मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपको जल्दी ही इसको ट्राई करके बताऊंगी ये कैसा है शेड। अदरवाइज मुझे ये काफी ज्यादा अच्छा लगा है, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको यूज करने के लिए और टेस्ट करने के लिए कि ये कैसा वर्क करेगा। ऑलराइट गाइस, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है वो है एक आईलाइनर। तो आप देख सकते हो ये गोल्डन कलर का आईलाइनर है, ये है मार्स ब्रांड का। तो ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आपको मिलेगा, और ये है लिक्विड इंक आईलाइनर बाय मार्स। मुझे मार्स और इनसाइट दोनों ही ब्रांड के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि चलो मैंने मार्स का ना आईलाइनर नहीं ट्राई किया हुआ था, इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत ज्यादा यूनिक लगी थी, और इसका प्राइस बहुत ज्यादा अफोर्डेबल था, या 159 रुपीज का है ओनली। तो उस हिसाब से देखें तो प्राइस के हिसाब से तो ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सी पैकेजिंग है, बहुत सुंदर लगती है, और काफी लाइट वेट भी है। तो ये एक स्केच आईलाइनर है, तो स्केच आईलाइनर्स बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं अगर आपको विंग आईलाइनर्स लगाने अच्छे लगते हैं, या फिर अगर आपको डेली आईलाइनर्स लगाने अच्छे लगते हैं तो आप ये वाले आईलाइनर्स ले सकते हो। स्केच लाइनर फटाफट से लगाया और हो गया, और पतला मोटा कैसे भी आईलाइनर आप लगा सकते हो। ये काफी ज्यादा जेट ब्लैक है, तो इसलिए मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आया है। बाकी मैं इसको आईज पे लगाने के बाद ही बता पाऊंगी कि ये वाटरप्रूफ है, बज प्रूफ है, स्टे कैसा है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। आप बस वेट कीजिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो का, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको ट्राई करने के लिए भी। पैकेजिंग तो A1 है, लेकिन अभी परफॉर्म कैसा करेगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो गाइस मैंने परचेज किया है वो है रेने ब्रांड का। तो रेने की ना मैंने काफी ज्यादा अमेज़न, जब हम ओपन करते हैं तो रेने की बहुत ज्यादा एड हो रही होती है। तो पहले ना मेरा वो वाला मूड था वो लिपस्टिक लेने का, जो यू नो जिसमें 5 शेड्स होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार वो थोड़ा सा ना मतलब यूज करने में थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, तो इसलिए मैंने उसको परचेज नहीं किया। तो मुझे ना ये प्रोडक्ट नया लॉन्च हुआ है, पीएच स्टिक मैडनेस रेने ब्लैक मैजिक, और ये एक लिप बाम है जो कि आपको पिंक टेंट देता है। तो मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा ये प्रोडक्ट, और ये ब्लैक कलर का है, जो लिपस्टिक है वो ब्लैक है, तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आपको मिलेगी, ब्लैक कलर की पैकेजिंग है पूरी, बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव सी पैकेजिंग है। मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा पैकेजिंग इसका, तो इसके ऊपर रेने लिखा हुआ है, और इसका जो प्राइस था गाइज वी है 499 रुपीज। और जब आप इसको ओपन करेंगे आप देख सकते हो इसकी जो बुलेट है ना, ये भी बहुत अलग सी ऐसे स्क्वायर शेप में दी हुई है। तो ये आप देख सकते हो, टोटल मैं आपको पूरा खोल के दिखाती हूँ, ब्लैक कलर का है। इसकी खुशबू भी बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इनफैक्ट कुछ ब्लूबेरी ब्लैकबेरी कुछ ऐसा सा इसका फ्रेग्रेंस है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और मैंने इसको थोड़ा सा लिप्स पे लगाकर भी देखा था, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा था, काफी हाइड्रेटिंग और यू नो मॉइस्चराइजिंग है, जैसे हम लोग को अच्छा लगता है ना लिप्स पे लगाना। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका स्वॉच दिखा देती हूँ, लेकिन मैं आपको लिप स्वॉच भी इसका करके दिखाऊंगी जल्दी ही। तो जब आप इसको लगाएंगे तो आपको कुछ ऐसा पता नहीं चलेगा, ठीक है। आप देख सकते हो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कोई कलर नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही आपके लिप्स
पे बिल्कुल पिंक पिंक कलर का इफेक्ट दे देता है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका करके बताऊंगी कि एक्चुअली मेरे लिप्स के ऊपर कैसा लगता है। तो आप वेट जरूर कीजिएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो का, क्योंकि मैं सारे ही प्रोडक्ट का जो ट्रायल है उस नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं देने वाली हूँ। ओके, तो एक और प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है रेने ब्रांड का अगेन, तो मैं इसके लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। ये है रेने का ग्लास ग्लो प्री मेकअप ऑयल प्रेप एंड ग्लो ऑल डे। तो आपको 10 ml क्वांटिटी मिल जाती है। ये एक प्राइमर है, ठीक है, फेशियल ऑयल और प्राइमर, आप कुछ भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो मेकअप करने से पहले आप इसको लगाइए ताकि आपका जो स्किन है अच्छे से प्रेप हो जाए, हाइड्रेट हो जाए, ग्लो लेकर आए। तो बेसिकली ये ग्लो लेकर आएगा आपकी स्किन के ऊपर, और आपका मेकअप जो है इसके ऊपर बहुत ज्यादा फ्लॉलेस और ब्यूटीफुल दिखने वाला है। रिव्यू भी इसके काफी ज्यादा अच्छे थे, तो इसलिए मैं एक्साइटेड थी उसको यूज करने के लिए। इसमें बताया भी हुआ है कि इसमें क्या क्या ऑयल्स इन्होंने डाल रखे हुए हैं, ठीक है। और इसका जो प्राइस है 450 rupees है, तो काफी अफोर्डेबल भी मुझे लगा। और क्योंकि जो इस तरह के ऑयल्स होते हैं, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसके अंदर से पैकेजिंग किस तरह की है। तो जो इस ये वाले जो ऑयल होते हैं ना, ये चाहे छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं, बहुत ही टाइनी टाइनी बॉटल्स होती हैं, बट गाइज मैं आपको बता दूं, ये ना सिर्फ दो ही ड्रॉप्स लगाना होता है। पूरा ऐसा नहीं है कि भर भर के लगाना है फेस के ऊपर, सिर्फ एक या दो ड्रॉप लेना होता है और उसको आपको अपनी स्किन पे डैब डैब करके लगाना होता है। मैं आपको इसका बताऊंगी कि आपको इसको यूज कैसे करना है, ये परफॉर्म कैसा करा, मेकअप इसके ऊपर कैसा लगा, फाउंडेशन कंसीलर कैसे इसके ऊपर सेट आई है नहीं आई है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग है। फ्रेग्रेंस भी इसकी काफी ज्यादा अच्छी है, कुछ जानी पहचानी सी फ्रेग्रेंस है। आई डोंट नो कि किसकी जैसी खुशबू है, लेकिन अच्छी खुशबू है इसमें, फ्रेग्रेंस तो इसमें है। तो ये मैं एक्साइटेड हूँ इसको यूज करने के लिए। तो मैंने ये लिया था रहने का, दो ही प्रोडक्ट लिए हैं क्योंकि दोनों ही इसके न्यू लॉन्च थे। ओके, तो अभी एक और प्रोडक्ट खरीदा था गाइस मैंने अमेज़न से ही, वो है शुगर ब्रांड का। तो शुगर की अभी न्यू लॉन्च हुई थी लिपस्टिक, जो कि इनकी थी पाउडर मैट लिपस्टिक, पाउडर किस लिपस्टिक या एयर किस पाउडर लिपस्टिक। तो ये मैंने इसका एक ही शेड मंगाया क्योंकि मैं पहले ट्राई करके देखना चाहती थी ये कैसा है, अच्छा है नहीं अच्छा है। तो मैंने इसका शेड मंगाया है 02 कैंडी फ्लॉस और एयर किस पाउडर लिपस्टिक 02 शेड है। तो इसकी स्टैंडर्ड पैकेजिंग जो हमारी शुगर की आती ही है, बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी। मुझे शुगर के सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, शुगर इज माय फेवरेट ब्रांड। तो इसकी कुछ फ्रॉस्टी इस कलर की पैकेजिंग है, आप देख सकते हो। और इसमें जो ये जो शेड मैंने मंगाया, और ना आप देख सकते हो जब आप इसको ऐसे करके देखोगे ना, तो आपको साफ पता चलता है कि इसके अंदर पाउडर डाला हुआ है इन्होंने। तो मैं इसको बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ट्राई करने के लिए कि लिप्स के ऊपर ये पाउडर है तो कहीं ये लिप्स को बहुत ज्यादा ड्राई ड्राई तो नहीं करेगा। तो मैं एक्साइटेड हूँ उसको यूज करने के लिए। तो मैं आपको दिखाऊंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं आपको यहाँ पे स्वॉच करके दिखा देती हूँ ये कैसा लगता है। तो गाइज वाओ, दिस इज सो लाइट वेट गाइज। तो ये है इसका शेड, मुझे पिंकी न्यूड शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैंने यही वाला शेड लिया, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और या बहुत ही प्यारा शेड है, लिप्स के ऊपर जल्दी ही मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसा लगता है। और इसका जो एप्लीकेटर है ना, ये भी काफी ज्यादा डिफरेंट है, मतलब नॉर्मल 2 foot एप्लीकेटर से थोड़ा पतला करा हुआ है और थोड़ा सा लंबा कर दिया हुआ है ताकि लगाने में ईजी रहे। तो या मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको ट्राई करने के लिए, और इसको टेस्ट भी करेंगे कि इसका स्टे कैसा है, ट्रांसफर प्रूफ है या नहीं है। तो शेड तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है, तो लेट्स सी। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने खरीदा है एक और मार्स ब्रांड का, तो वो है मार्स का, ये है इसका डबल ट्रबल मस्कारा लेंथ एंड वॉल्यूम। पहले तो आप इसकी पैकेजिंग देख लीजिए, मार्स ब्रांड ने हमेशा ही मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है, चाहे उनकी पैकेजिंग हो चाहे प्रोडक्ट का क्वालिटी हो, हमेशा ही बहुत ज्यादा A1 होता है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि तो ये इंडियन ब्रांड है, दूसरा इनके जो प्राइस होते हैं बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल होते हैं। ये इसका जो मस्कारा है इसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 249 rupees। तो आप देख सकते हो पैकेजिंग कितनी सुपर्ब है, A1 क्वालिटी। और आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से जब आप इसको खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आपको ये मस्कारा मिलेगा। लुक एट द पैकेजिंग गाइज, वाओ, मतलब आप दूसरे और कोई भी ब्रांड ले लीजिए, लेकिन आपको इस तरह की पैकेजिंग में कोई मस्कारा मिलने नहीं वाला है 250 rupees में। तो मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ ये क्या चीज है, कैसा है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये है ना इस तरह का स्टील का बना हुआ है, आई थिंक, आई डोंट नो ये स्टील का है या प्लास्टिक है, बट इसका फील काफी ज्यादा अच्छा है देखने में। ये है डबल ट्रबल मस्कारा लेंथ एंड वॉल्यूम, इसमें लिखा हुआ है स्टेप 1 फॉर लेंथ, स्टेप 2 वॉल्यूम। तो जब आप ऊपर वाला खोलेंगे, ठीक है, तो जो इसके ब्रिसल्स हैं कुछ इस तरह के, आपको इसका जो वॉन्ड है कुछ इस तरह का मिलेगा, ठीक है। अगर आपको सिर्फ लेंथनिंग चाहिए तो आप इसको लगा लीजिए, और जब आप इसको अंदर डाल के बंद करेंगे उसके बाद नीचे वाला अगर आप खोलेंगे तो आपको इसकी जो प्रोडक्ट है काफी ज्यादा आ जाता है इसके अंदर। तो आप मेक श्योर कि अच्छे से इसको निकालने के बाद ही लगाएं,
और ये है आपके वॉल्यूम के लिए, तो मैं इसको भी यूज करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये कैसा है। और आई थिंक ये वाटर प्रूफ भी है और क्वांटिटी आपको मिल जाती है 15 ml, तो मुझे इसकी पैकेजिंग और सब कुछ बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है मार्स ने। लेट्स सी ये वर्क कैसे करता है और कैसा है कैसा नहीं है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको यूज करने के लिए और ट्राई करने के लिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है अमेजोन से, वो भी एक न्यू लॉन्च है। इस बार मैंने काफी सारे न्यू लॉन्च और न्यू प्रोडक्ट्स, मतलब ऐसे वाले प्रोडक्ट परचेज किए हैं जो मैंने पहले कभी भी ट्राई नहीं किए हुए थे, या फिर कुछ ब्रांड्स ने जो न्यू लॉन्च करे हैं। तो न्यू लॉन्च प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है गाइस, ब्लू हेवन की SPF 25 PA++ के साथ हाइपर मैट फाउंडेशन। आजकल सारे ही यूट्यूबर्स ब्लू हेवन के जितने भी न्यू लॉन्चेस हुए हैं सबकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे रिव्यूज दिए जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो एक ट्राई करके देख ही लेते हैं। तो फाउंडेशन गाइज मैंने लिया है, 200 rupees का ये आता है, और जो शेड मैंने लिया है वो है नेचुरल। जो नेचुरल शेड है ये फेयर प्लस येलो अंडरटोन वालों के लिए है, तो इसीलिए मैंने इसको परचेज किया क्योंकि येलो अंडरटोन मेरे ऊपर अच्छा जाता है। वैसे मैं न्यूट्रल अंडरटोन की हूँ बट येलो मेरे को अच्छा जाता है, स्पेशली अगर मुझे यू नो कैमरा के लिए वीडियोज बनाने होते हैं तो। तो गाइज ये है कुछ इस तरह की पैकेजिंग, इसकी फ्रॉस्टी लुक वाली पैकेजिंग है। इसके ऊपर कोई कैप नहीं मिलता है, लेकिन इसका जो यू नो ओपनर है वो इस तरह से लेफ्ट राइट की तरफ है, ठीक है। और 30 ml आपको क्वांटिटी मिल जाती है, 30 months की इसकी डेट है, और ये लाइट वेट है, नॉन क्लॉगिंग है, तो मैं इसको भी यूज करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। शेड तो मुझे ठीक ठाक लगा है, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं ऐसे कह सकते। मैं आपको थोड़ा सा स्वॉच दिखा देती हूँ हैंड के ऊपर ये कैसा लगेगा। तो ये है गाइज मेरा शेड, तो आई थिंक ये मेरी स्किन के ऊपर चल जाएगा। बाकी हम ट्राई करके देखेंगे कि ये मीडियम कवरेज है, लाइट कवरेज है, फुल कवरेज है, और तो इसको लगाने के बाद कैसी फील आती है सब कुछ मैं बताऊंगी। फ्रेग्रेंस इसमें कुछ ज्यादा वैसे बहुत स्ट्रांग फ्रेग्रेंस तो नहीं है, बट अच्छा लग रहा है मुझे, तो मैं इसको भी ट्राई करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पैकेजिंग वाइज मुझे ये काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, लाइक 200 rupees की हिसाब से पैकेजिंग काफी ज्यादा अच्छी है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई दिस वन। तो इस बार मैंने परचेज की है एक न्यू कंसीलर जो कि है इनसाइट ब्रांड की। तो इनसाइट एंड मार्स, जैसे कि मैंने आपको बताया आई लव इनसाइट आई लव मार्स, तो इनसाइट की गाइस न्यू लॉन्च हुई थी अभी HD कंसीलर इनसाइट की, और जो शेड मैंने इसमें मंगाया है वो है LNP15। तो मैं आपको पैकेजिंग दिखाती हूँ गाइस, पैकेजिंग देख के मैं इतनी ज्यादा मतलब हैरान हो गई ना, क्या ही बताऊं। तो दिस इज द पैकेजिंग, ओके सो गाइज दिस इज द पैकेजिंग, ये है इसका इनर पैकेजिंग इनसाइड का HD कंसीलर। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको ट्राई करने के लिए। ये फुल कवरेज है, करेक्ट आप यूज कर सकते हो एज अ कंसील, करेक्ट कॉन्टोर, और ये लाइट वेट है, लॉन्ग लास्टिंग है, आप डार्क सर्कल्स के लिए यूज कर सकते हो या आप अपनी इम्परफेक्शंस के लिए यूज कर सकते हो। तो ये काफी ज्यादा यू नो बड़ी सी कंसीलर है देखने में, और काफी ज्यादा सिमिलर है ये लॉरियल की जो इनफेलेबल आती है उसको सेम है, या फिर एल्फ कॉस्मेटिक्स की जो कंसीलर आती है, क्योंकि मेरे पास दोनों ही है। तो मैं बहुत ज्यादा ना एक्साइटेड हूँ इसको ट्राई करने के लिए, ये वाकई में वाओ, बिल्कुल इसका जंबो आपको ये मिलता है एप्लीकेटर सेम ही, और इसका स्वॉच भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है इसका स्वॉच। तो शेड ना मैंने बहुत ज्यादा जैसे लाइट वाला नहीं लिया है, मैं एक्चुअली मैं इम्परफेक्शंस के लिए ही लेना चाहती थी कंसीलर, तो इसलिए मैंने हल्का सा अपनी स्किन से डार्क शेड लिया, क्योंकि कई बार थोड़ा सा ना यू नो ऑक्सीडाइज भी होता है, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है ये वाला शेड सही जाएगा मेरे डार्क स्पॉट्स वगैरह के लिए, तो मैंने ये वाला शेड लिया है। और मैं इसको भी लगाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, ट्राई करूंगी पूरा दिन इसका स्टे वगैरह कैसा रहता है, पैची तो नहीं है या यू नो लाइन्स वगैरह तो नहीं नजर आती है, तो मैं ट्राई करूंगी, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ओके गाइस, द नेक्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है वो है ये, आप देख सकते हो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आपको मिलेगा, ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग में। ये है ब्रश क्लीनर, मुझे ये बहुत ही ज्यादा क्यूट लगा था, और ये ना सोलिमो ब्रांड का है, और अगर मैं आपको बता दूं सोलिमो ब्रांड जो है वो अमेजोन का ही अपना ब्रांड है, तो मुझे सोलिमो के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्वालिटी वाइज काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो जो ये ब्रश क्लीनर था ये 400 rupees का है, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिला है, आई थिंक 200 या 250 rupees का मिला है। तो इसका क्या होता है ना, पीछे इस तरह के वैक्यूम दिए होते हैं तीन, तो आपने इसको क्या करना होता है, इसको अपने वॉश बेसिन में आप इसको अच्छे से ऐसे चिपका दीजिए, और उसके बाद आप इसके ऊपर अपना ब्रशेस वगैरह को अच्छे से क्लीन कर सकते हो, ब्रश आपका डैमेज नहीं होता है। और देखने में ये कितना ज्यादा क्यूट लगा ना मुझे, तो मेरे से राय नहीं गया इसको लेने के लिए, और मेरे पास कोई ब्रश क्लीनर था भी नहीं, तो मैं हमेशा अपने हैंड के ऊपर करती थी या कुछ ना कुछ जुगाड़ करके करती थी, तो मुझे लगा चलो एक क्यूट सा एक छोटा सा मैं ले लेती हूँ, मुझे बहुत ही प्यारा लगा। तो या तो गाइज ये तो थे मेरे अमेजोन ब्यूटी हॉल, तो अगर आपको ये वाला हॉल अच्छा लगा
प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप मुझे पहली बार देख रहे थे तो। और इनका सबका जो ट्राई ऑन हॉल है वो भी मैं आपको जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी, आप वेट कीजिएगा। और या तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, गिव अवे चल रहा है, डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन माय गिव अवे। जितने भी रूल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। और हाँ, अगर आपको प्रोडक्ट परचेज करने हैं, इनमें से सारे प्रोडक्ट के जितने भी जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी परचेज कर सकते हो। और हाँ गाइस, एक चीज और लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा और आप ईगरली चाहते हो कि आपको वो देखना है कि वो कैसा परफॉर्म करता है। ठीक है, तो या तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।